देखा कि मेरे और दुनिया में मेरे प्यारे भक्तों को देखा बोली दुष्ट मैं नहीं जानती तेरे जैसे अंश के पुत्र को मैं नहीं जानती बोले महाराज पछताने से कुछ नहीं होगा अब हो गया सो गया और तुम्हारा कोई बुरा बुरा नहीं मैंने तुम्हारे साथ प्यारे भक्तों राक्षस वहां से चला गया महाराज ने पकड़ देखा चली गई बगिया में पहुंची सही ने को साथ लिया महलों में पहुंच गई ये बात महाराज ने कृष्ण को बताई बाद में महाराज ने खैर कोई बात नहीं सब कुछ भगवान की कृपा से होता है कोई बात नहीं हो गया तो जाने जाने मेरे प्यारे भक्तों उसी समय से आज महाराज ने पकड़ देखा गर्भाधान होने लगी जब गर्भाधान होने लगे धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया नौ मास पूर्ण हुए प्रसव काल की लीला शुरू हुई तो महाराज ने पकड़ देखा कि गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया बड़ा ही अद्भुत बालक पैदा हुआ है उसके जन्म होते ही आंधी तूफान आने लगे घनघोर बारिश होने लगी इधर जब बालक ने जन्म लिया नाम पर संस्कार करा गया तो उस बालक का नाम कंस पड़ा है तो महाराज को खुशी भी बहुत हुई और दुख भी बहुत हुआ खुशी तो इसी हुई हुई थी बेटा ने जन्म लिया और दुख उसी नहीं हुआ कि बेटा ने जन्म को लिया लेकिन मेरे ऐसे का किसी राज के अंत का धीरे धीरे